माँ बाप का जो सपोर्ट होता है वो हर इंसान की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जितना सक्सेसफुल है और चाहे वो जितना अनसक्सेसफुल है. अगर तो आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है तो फिर दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो. हम औरतों को या हम लड़कियों को ये चीज़ समझ आ जाए टाइमली कि हम क्यों किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, कोई लड़का लड़की को या लड़की लड़के को क्यों बदलने की कोशिश करती है. जैसे लाइक आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, मैं 28 साल अपनी जिंदगी गुजार चुकी हूँ. मैं अगर समटाइम्स अगर अपनी अब्बू की चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पा रही तो मैं एक गैर आदमी को जो किसी और माँ से पैदा होकर आया मैं उसको कैसे कह सकती हूँ ये तो मेरी सोच के मुताबिक सोचो या तो मेरे मुताबिक बनो. तो जिंदगी ऐसे बैलेंस होकर चल सकती है आपका कि उसको अपना जीने दो आप अपना जियो लेकिन एक दूसरे में खुशियाँ. तो ये सोशल मीडिया मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ सोशल मीडिया को. ये जो रेस है कि आपने अपलोड करना है आपने ये अपडेट करना है लोगों को ये मुझे समझ नहीं आती क्योंकि मैं वैसे बहुत बहुत प्राइवेट इंसान हूँ. मैं अपने घर में अपने कमरे से निकलती नहीं हूँ, मैं इतनी प्राइवेट हूँ. मुझे बस अपने ही बबल में रहने का शौक है. मैं आपको ख्वाब के बारे में बताती हूँ जिसकी वजह से मुझे कंप्लीट टर्न आया. वो ये था कि मुझे ख्वाब आया कि मैं सूरह इख़लास पढ़ रही हूँ और सूरह इख़लास की जो मायने हैं वो बेसिकली इज़ योर सिंसेरिटी टुवर्ड्स गॉड. तो जब मुझे वो ख्वाब आया एंड आई वोक अप और आई फेल्ट कि हर चीज़ लाइट सी हो गई अचानक ख्वाब से. एवरीथिंग फन अराउंड फील लाइक दीन और दुनिया को लेके चलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है. मेरे लिए मेरा इस्लाम इज़ नॉट कि मुझे एंड आई नो फॉर लॉट ऑफ पीपल वेल एंड आई नो कि मुझे बैकलैश भी मिलेगा ये चीज़ कहते हुए, लेकिन ये नहीं है कि आप एक इतनी बड़ी दाढ़ी उगा लें या हिजाब पहन लें. मेरे लिए मेरा इस्लाम है पीस एंड काइंडनेस एंड लव. आप बी काइंड टू पीपल दैट आर अराउंड. अपनी हिफाजत आप करें लेकिन फिर भी अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए आप मर्दों की वैल्यू को कम ना करें. दोनों इक्वल हैं, दोनों के हकूक एक जैसे हैं और दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे का ख्याल रखने की, ना कि सिर्फ एक का काम है.